नमस्कार, वन इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय। इंडियन प्रीमियर लीग 2021 के मैच नंबर 16 में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और राजस्थान रॉयल्स के बीच एक रोमांचक मैच खेला गया, जिसे विराट कोहली की अगुवाई वाली आरसीबी ने 10 विकेटों से बड़े आसानी से जीत लिया। राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के युवा बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल ने अपने आईपीएल करियर का पहला शतक जड़ा। इस मैच में देवदत्त पडिक्कल की शानदार बल्लेबाजी को देखने के बाद टीम इंडिया के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने उनको लेकर एक बड़ी भविष्यवाणी कर दी। गावस्कर ने कहा है कि वो जल्द टीम इंडिया के लिए खेल सकते। सुनील गावस्कर ने मैच के बाद कहा, मुझे हैरानी नहीं होगी अगर किसी भी फॉर्मेट में वो भारत के लिए खेलते हैं, क्योंकि उनके पास वो क्षमता और क्लास है। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उन्होंने काफी रन बनाए और रणजी ट्रॉफी में भी उनके नाम बड़े शतक है। 50 ओवर के क्रिकेट में उन्होंने काफी रन बनाए। T20 टूर्नामेंट में भी उन्होंने अपनी काबिलियत साबित की है, इसलिए इंडियन टीम में उनके चयन पर मुझे कोई हैरानी नहीं हुई। बहरहाल, आईपीएल सीजन 14 के मैच नंबर 16 की बात करें तो राजस्थान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 9 विकेट पर 177 रन का स्कोर खड़ा किया, जिसे बेंगलोर ने 16.3 ओवरों में बिना कोई विकेट खोकर हासिल कर लिया। आईपीएल 2021 में आरसीबी का अभी तक का सफर शानदार रहा है। अपने चारों मैच में टीम ने जीत दर्ज की है और पॉइंट्स टेबल में टॉप पर है। वहीं राजस्थान की बात करें तो 4 मैचों में टीम को तीसरी हार झेलनी पड़ी, तो वहीं टीम 2 अंकों के साथ 7वें नंबर पर है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।